वेलकम दोस्तों, तो आप सबका मेरे वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत है। हम देख रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये लेसन, इस लेसन का पार्ट 5। पार्ट का नाम है एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस एंड रिएक्शन एंड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इस पार्ट में हम ये दो टॉपिक देखने वाले हैं। आपने मेरे पहले 4 पार्ट की वीडियो नहीं देख करेंगे इस लेसन के ऊपर, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके वो जरूर देखिए। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कंप्लीट किया था, इस पार्ट में हम देखेंगे एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस एंड रिएक्शंस। सो लास्ट पार्ट में हमने 4 टाइप देखे थे केमिकल रिएक्शंस के, कौन से थे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस पार्ट में भी हम केमिकल इक्वेशंस के 2 टाइप देखने वाले हैं, दैट इज एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। So, जो पहले 4 टाइप देखे थे, दोज वर बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ एंड नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। अभी यहाँ पे जो टाइप्स है दो, वो हीट के बारे में डिपेंड है। सो दे आर डिपेंड ऑन हीट, हीट रिएक्शन के अंदर हम ले रहे हैं कि बाहर दे रहे हैं, उस पर ये टॉपिक पूरा डिपेंड है। एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस एंड रिएक्शन। हीट इज एब्जॉर्ब एंड गिवन अवे इन वेरियस प्रोसेसेस एंड रिएक्शन। अकॉर्डिंगली processes and reactions are classified as endothermic and exothermic. So according to the heat, heat reaction में ले रहे हैं कि बाहर दे रहे हैं, उसके ऊपर से we classify the reactions or processes in 2 types, that is endothermic and exothermic. Endothermic and exothermic processes. Heat from outside is absorbed during some special physical changes, for example melting of ice. So कुछ ऐसे physical changes होते हैं जिसके अंदर हम heat बाहर से अंदर लेते हैं, मतलब हीट बाहर से ऑब्जेक्ट के अंदर लिया जाएगा, उसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक प्रोसेस। जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का टेम्परेचर बहुत कम होता है, सो अगर उसको लिक्विड में कन्वर्ट होना है तो क्या करना पड़ेगा, बाहर से हीट आइस के अंदर लेना पड़ेगा। सो दिस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, हीट इनसाइड लिया जा रहा है, दैट्स व्हाई इट इज एंडोथर्मिक। डिसोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन वाटर, जब पोटेशियम नाइट्रेट का वाटर में डिसोल्यूशन हो जाएगा तभी क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन, हीट अंदर लिया जाएगा। सो एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, जिस प्रोसेस में हीट अंदर लिया जाए उसे हम एंडोथर्मिक बोलेंगे। सिंपल आप एग्जांपल याद रख सकते हो, मेल्टिंग ऑफ आइस। ऑन द अदर हैंड, हीट इज गिवन अवे ड्यूरिंग सम फिजिकल चेंजेस, फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर। सो कुछ ऐसे रिएक्शन भी होते हैं जिसमें हीट बाहर दिया जाता है या हीट एग्जिट किया जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इन किया तो एंडोथर्मिक, एग्जिट किया तो एक्सोथर्मिक। एग्जाम्पल दिया है उन्होंने फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर। सो वाटर का टेम्परेचर रिलेटिवली ज्यादा रहता है फ्रॉम विद रिस्पेक्ट टू आइस। वाटर इज प्रेजेंट अराउंड 10 डिग्री सेल्सियस, आइस इज प्रेजेंट अराउंड 0 डिग्री सेल्सियस। सो अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट को या सब्सटेंस को 10 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाना है तो क्या करना पड़ेगा, उससे हीट निकालना पड़ेगा, मतलब उस रिएक्शन से हीट बाहर आएगा या उस सब्सटेंस से हीट बाहर आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड सेकेंड वन इज डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। सो अगर मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया और उसको वाटर के अंदर मिक्स किया तो जो सोल्यूशन बनेगा उसका टेम्परेचर कम रहेगा, क्यों, क्योंकि उसके अंदर से हीट बाहर निकल रहा है, एग्जिट हो रहा है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस। इन द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड। सो जब प्रोसेस होता है, डाइल्यूशन प्रोसेस होता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का, सो H2SO4 अगर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा तो हमारा हाथ भी जल सकता है, तो उसको डाइल्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर वाटर ऐड करते हैं। जब प्रोसेस चालू रहता है डाइल्यूशन ऑफ द H2SO4, मतलब उसके अंदर जब वाटर ऐड करने का प्रोसेस चालू रहता है तब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड, देयरफॉर इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एज अ रिजल्ट वाटर गेट्स इवेपोरेटेड इंस्टेंटेनियसली if it is poured into concentrated sulfuric acid, which may cause an accident. तो अगर पानी जब हम सल्फ्यूरिक एसिड में डाल रहे हैं तब हीट बाहर निकल रहा है तो क्या हो जाएगा, उस हीट का, पानी है, हीट है, ऑब्वियसली इवेपोरेशन हो जाएगा, वाटर फास्टली इवेपोरेट होना स्टार्ट होता है। सो वी हैव टू ऐड द वाटर स्लोली स्लोली, ऐसे ऐड करते करते बहुत सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन इवेंचुअली दैट एसिड विल टर्न फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड टू डाइल्यूट। अगर हमने सडनली पानी डाल दिया उसमें एक्सीडेंट भी हो सकता है, बड़ा साउंड भी हो सकता है, तो बीकर में हम कर रहे हो फट भी सकता है। तो अवॉइड दिस, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर इज टेकन इन ग्लास कंटेनर एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट अ टाइम इज एडेड विद स्टरिंग। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर लेते हैं और उसमें एसिड डालते हैं।
उसमें थोड़ा थोड़ा एसिड डालेंगे फॉर द डाइल्यूशन, देयर फॉर ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ इट इज लिबरेटेड एट अ टाइम। तो मैं एसिड के अंदर पानी डालने के अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, पानी के अंदर एसिड डालूंगा फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन। तो इस पूरे पैराग्राफ में हमें सिर्फ दो चीजें याद रखनी है, दैट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक मतलब इन, जब हीट इन होगा दैट इज एंडोथर्मिक, और जब हीट एग्जिट होगा दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट, देयर इज वन एक्टिविटी टू कैरी आउट द एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस। apparatus required are two plastic bottles, measuring cylinder, thermometer, and chemical required are potassium nitrate, sodium hydroxide, water, etc. आगे एक नोट भी दिया है, sodium hydroxide being corrosive, handle it carefully in presence of teacher. So sodium hydroxide is a hazardous chemical, so we have to handle it very carefully. Procedure अब क्या करना है, take a 100 ml water in each of two plastic bottles. दोनों plastic bottle में 100 ml water लेना है. प्लास्टिक बींग इंसुलेटर ऑफ हीट, डिसिपेशन ऑफ हीट कैन बी प्रिवेंटेड। सो प्लास्टिक से इजिली हीट बाहर नहीं आता, बिकॉज इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, नॉट द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बॉटल। तो दोनों बॉटल में पानी 100 ml वाटर लेने के बाद उसका टेम्परेचर काउंट करना है। पुट अ 5 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 इन अ बॉटल एंड शेक वेल, नोट द टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन फॉर्म। पुट अ 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन अदर बॉटल, शेक द बॉटल वेल एंड नोट द टेम्परेचर। तो एक बॉटल में डालना है पोटेशियम नाइट्रेट एंड दूसरे बॉटल में डालना है सोडियम हाइड्रोक्साइड 5-5 ग्राम, और उसको शेक करना है, और शेक करने के बाद फिर से उसके अंदर थर्मामीटर डाल के उसका टेम्परेचर चेक करना है। तो क्या करना है, पूरा प्रोसीजर समझ में, दो बॉटल लेना है, दोनों बॉटल में 100 ml वाटर, पहले टेम्परेचर काउंट करना है, फिर उसके बाद में एक बॉटल में KMnO3 दैट इज पोटेशियम नाइट्रेट और दूसरे बॉटल में सोडियम हाइड्रोक्साइड 5-5 ग्राम्स डालना है, अच्छे से शेक करना है, और उसे शेक करने के बाद फिर से उसका टेम्परेचर मेजर करना है। अब इस प्रोसेस से हमें क्या आउटपुट मिलेगा या क्या ऑब्जर्वेशन दिखेगा। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ KNO3 इन वाटर, हीट फ्रॉम सराउंडिंग इज एब्जॉर्ब एंड देयरफॉर द टेम्परेचर ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज लेस। सो जब KMnO3 को वाटर में ऐड किया जाएगा तब सराउंडिंग से हीट वो रिएक्शन अंदर ले लेगा। सो रिएक्शन में क्या हो रहा है, हीट एंटर कर रहा है। सो अगर रिएक्शन में हीट एंटर कर रहा है तो उसे हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, and we feel that the temperature of the KMnO3 is low, temperature कम हो जाएगा। so endothermic reaction में actually क्या होता है, temperature at the end पूरे solution का कम दिखेगा। so the process in the which heat is absorbed from outside is known as endothermic process. when the solid NaOH is dissolved in water, heat is given out. so जब NaOH को water में add किया तब क्या हो जाएगा, heat बाहर दिया जाएगा and therefore temperature increases. so heat क्या हो रहा है, अभी बाहर आ रहा है, रिएक्शन के अंदर जा रहा है क्या, नहीं अभी बाहर आ रहा है हीट, तो क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। ऐसे ही प्रोसेस को हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सो दो तरह के प्रोसेस है, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब हीट एंटर हो रहा है, एक्सोथर्मिक हीट एग्जिट हो रहा है। एंडोथर्मिक में जो रिएक्शन होगा उसका टेम्परेचर कम होगा, एक्सोथर्मिक में जो रिएक्शन है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। नाउ एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, अभी हम प्रोसेस के बारे में बात कर रहे थे। melting of water is not a reaction, boiling of water is not a reaction, these are the processes, physical processes. abhi chemical reactions mein kya hota hai, there is an exchange of heat in the chemical reaction as well. so chemical reaction mein bhi aise bahut baar hota hai ki heat andar aa raha hai reaction mein ya reaction se exit kar raha hai. accordingly some reactions are exothermic while some are endothermic. so uske upar se hi hum bol sakte hai kuch reaction endothermic hai aur kuch reaction exothermic hai. ड्यूरिंग एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हीट इज गिवन अवे व्हेन द रिएक्टेंट ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, जो हीट होगा वो बाहर निकल जाएगा या हीट गिवन अवे हो जाएगा, उस रिएक्शन को हमें बोलना है एक्सोथर्मिक। सो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, हीट बाहर आता है। व्हाइल ड्यूरिंग द एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हीट इज आइदर एब्जॉर्ब फ्रॉम सराउंडिंग और हैज टू बी सप्लाइड कंटिन्यूअसली फ्रॉम आउटसाइड। सो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि हीट हमें बाहर से कंटिन्यूअसली देना पड़ता है या इट विल एक्वायर फ्रॉम द सराउंडिंग। सो जिस रिएक्शन में हीट बाहर निकल रहा है एक्सोथर्मिक, जिस रिएक्शन में हीट अंदर लिया जा रहा है दैट इज एंडोथर्मिक। तो देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन, यहाँ पे देखो हीट क्या हो रहा है, ये रिएक्टेंट साइड में ऐड हो रहा है, मतलब रिएक्टेंट को हीट दिया जा रहा है। व्हाइल इन द एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इज गिवन आउट। सो अगर एरो के इस साइड हीट लिखा रहेगा दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, और अगर एरो के दूसरे साइड हीट दिया दिखा रहेगा दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे, दैट इज व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
ओके, तो सबको समझ में आ गया रहेगा व्हाट इज एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन एज वेल एज प्रोसेसेस। तो इसके ऊपर पेज नंबर 46 पे क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, चलो वो सॉल्व करते हैं। सो दिस इज पेज नंबर 46 क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाइड द एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसमें हमें रिकॉग्नाइज करना है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सा है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सा है। सो अभी हमने जो पढ़ा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब इसमें हीट इनसाइड लिया जाएगा, मतलब हीट रिएक्टेंट के साइड लिखा जाएगा, एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोस रिएक्शन इन व्हिच हीट विल एग्जिट और इट इज रिटर्न ऑन द प्रोडक्ट साइड। चलिए वन बाय वन देख लेते हैं कि ये एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। HCl plus NaOH gives us NaCl plus H2O plus heat. Now see here, heat is written on the product side. As heat is written on the product side, it is exothermic reaction. ये reaction first वाला कौन सा है? Exothermic. Now next, 2KClO3 gives us 2KCl plus 3H2O. अभी यहाँ पे heat दोनों भी साइड में ले लिखा है, तो यहाँ पे क्या करें? यहाँ पे देखो जो एरो दिखा है उसके ऊपर ये साइन दिखा है डेल्टा। ये साइन हमें क्या दिखाता है कि देर इज अ हीट गिवन फ्रॉम आउटसाइड अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 3 ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग केमिकल इक्वेशन। उसमें हमने देखा था कि अगर हीट बाहर से दिया जाएगा तो वी हैव टू रिप्रेजेंट इट बाय डेल्टा। सो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हीट बाहर से दे रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, अब थर्ड, CaO plus H2O gives us CaOH twice plus heat. यहाँ पे हीट क्या हो रहा है? बाहर आ रहा है, therefore it is also exothermic reaction. And last, CaCO3 gives us CaO plus CO2. So this is a decomposition reaction. एक reactant और दो product मिल रहे हैं। तो यहाँ पर भी डेल्टा है, सो इट इज गिवन फ्रॉम आउटसाइड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय साइन डेल्टा, देयरफॉर इट इज एंडो। तो सब ये पेंसिल से लिख लो यहाँ पे बुक में आपके। सो ये तो हो गया हमारा एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड प्रोसेसेस। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैन यू टेल, टेक इनटू अकाउंट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर फॉलोइंग प्रोसेसेस, क्लासिफाई देम इनटू टू ग्रुप्स and give a title to the groups. First, cooking gas starts burning on ignition. Second, iron article undergoes rusting. तो देखो cooking gas जब हम अपना stove या जो अपना gas start करते हैं तो जल्दी से ignite हो जाता है। मैंने अपना lighter दबाया, switch start किया, it lit up quickly. Second, iron article undergoes rusting. आयन आर्टिकल एक दिन में रस्ट होगा क्या? 10 मिनट में रस्ट होगा क्या? इट रिक्वायर्स लॉन्गर ड्यूरेशन, 2 to 3 years फॉर द रस्टिंग ऑफ आयन। थर्ड, इरोजन ऑफ रॉक टेक्स प्लेस टू फॉर्म अ सॉइल। सो रॉक दे आर बिगर इन साइज, सॉइल जो बनता है वो भी रॉक से ही बनता है, रॉक के स्मॉल स्मॉल पार्ट होते जाएंगे ड्यूरिंग द होल नेचुरल फिनोमिनास एंड इट विल कन्वर्ट टू सॉइल। ये सारा प्रोसेस एक साल में होगा क्या? 2 साल में, 10 साल? नो, इट रिक्वायर्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर। From all these 6 examples, they want to tell us that some processes takes more time than other processes. तो कुछ reaction जल्दी हो जाता है या कुछ reaction होने को बहुत ज्यादा time लगता है। Fourth reaction क्या है अभी? Alcohol is formed on the mixing yeast in glucose solution under proper condition. So glucose में जब हम yeast mix करेंगे तब alcohol form होगा। This also takes longer time. Effervescence is formed on adding the baking soda into test tube containing dilute acid. A white precipitate is formed on adding dilute sulfuric acid in barium chloride solution. In all these 6 examples, some processes takes less time while the other process takes more time. So we can classify them as the quick reaction and slow reaction. It can be seen from above example that some reactions are completed in short time that occurs rapidly while some other require long time for completion that occurs slowly. So, ऊपर के 6 एग्जाम्पल से हमें क्या पता चलता है कि कुछ रिएक्शन जो है जो जल्दी हो जाते हैं और कुछ रिएक्शन है वो स्लोली होते हैं। दैट मीन्स दैट द रेट ऑफ डिफरेंट रिएक्शन इज डिफरेंट। तो सारे रिएक्शन एक ही स्पीड पे होते हैं क्या? नहीं, अलग अलग रिएक्शन का अलग अलग स्पीड होता है। तो अब ये स्पीड ऑफ द रिएक्शन या रेट ऑफ द रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड होता है वो हमें आगे देखना है। द सेम रिएक्शन ऑकर एट अ डिफरेंट रेट ऑन चेंजिंग द कंडीशन। तो अगर मैंने
एक पर्टिकुलर रिएक्शन लिया, उसमें कुछ कंडीशन चेंज किया, हीट बढ़ा दिया या कुछ अलग सब्सटेंस ऐड कर दिया, तो अभी भी उसका स्पीड चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग विंटर लॉन्ग टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग मिल्क इन टू कर्ड, वाइल एट हायर टेम्परेचर ड्यूरिंग समर द रेट ऑफ सेटिंग मिल्क इंक्रीजेस एंड द कर्ड इज फॉर्म्ड अर्ली। जब समर में क्या होता है, कर्ड जल्दी फॉर्म हो जाता है फ्रॉम मिल्क, वाइल इन विंटर रिक्वायर्स मोर टाइम। और एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ मैं आपको, अगर आपने पानी बॉइल करने के लिए रखा, इन विंटर इट विल टेक मोर टाइम, व्हाई? बिकॉज़ द आउटर टेम्परेचर इज लो, एंड इन समर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर विल बॉइल इन द लेस ड्यूरेशन, रेट ऑफ द प्रोसेसेस चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सर्टेन कंडीशंस। सो कौन से ऐसे कंडीशन है जो केमिकल रिएक्शन या प्रोसेसेस के स्पीड को अल्टर करते हैं या चेंज करते हैं? सो फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ द रिएक्टर। लेट अस सी द रिएक्शन ऑफ मेटल एल्यूमिनियम एंड जिंक विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो एल्यूमिनियम और जिंक का में डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन देखना है। ऑन रिएक्शन ऑफ बोथ एल्यूमिनियम एंड जिंक विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2 गैस इज लिबरेटेड एंड वाटर सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ दिस मेटल आर फॉर्म्ड। तो क्या रिएक्शन हो जाएगा, वी हैव एल्यूमिनियम एंड वी आर एडिंग इट टू द HCl, एल्यूमिनियम रहेगा नहीं तो जिंक रहेगा, उसको हम HCl के साथ ऐड कर रहे हैं। सो इन दिस रिएक्शन व्हाट हैपेंस, हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड एंड वाटर सोल्यूबल सॉल्ट, सो एल्यूमिनियम क्लोराइड इज सॉल्ट व्हिच फॉर्म्स एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। दिस सिचुएशन इज नॉट बैलेंस्ड, यू बैलेंस इट, सो हाइड्रोजन गैस निकल जाता है इसमें, सो एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद HCl, इट विल फॉर्म AlCl दैट इज सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। Okay, in both reaction, in place of aluminium, if I take the zinc, same reaction will takes place. However, reaction of aluminium metal takes place faster as compared to zinc metal. So, दोनों भी metal ही है, both are reacting with the hydrochloric acid. But reaction of aluminium will takes at the faster rate. तो जल्दी से हो जाएगा ये reaction, और हमें जल्दी से hydrogen gas मिल जाएगा. Why is this so? The nature of metal is responsible for this difference. So, मेटल का नेचर कैसे है या रिएक्टेंट का नेचर कैसे है उसके ऊपर डिपेंड होता है। एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन Zn, सो एल्यूमिनियम जो है वो Zn जिंक से ज्यादा रिएक्टिव, इसलिए स्पीड ऑफ द रिएक्शन एल्यूमिनियम का HCl के साथ ज्यादा होगा देन जिंक का HCl के साथ। व्हाई इज दिस सो, एल्यूमिनियम क्यों ज्यादा रिएक्टिव है, बिकॉज एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इज 13, 13, while the atomic number of zinc is 3030. So by simply looking this number, we will say that number of electron in aluminium is much less than the number of electron in zinc. So isme electron zyada hai to proton bhi zyada honge, that's why the atomic size of zinc is small. Why? Because there is a greater attraction between nucleus which is positively charged and electrons which is negatively charged, तो उनके साथ बीच में ज्यादा attraction होगा और उसके वजह से ये electron easily lose नहीं करेगा। While in aluminium there is a less attraction between nucleus and electrons and therefore it is easy to lose electron in the aluminium. That's why aluminium will react fastly or highly reactive than zinc. So aluminium is more reactive than zinc. Therefore the rate of reaction of aluminium with hydrochloric acid is higher than that of zinc. So, ऐसे नेचर जो रिएक्टेंट का नेचर है वो भी इफेक्ट करता है स्पीड ऑफ द रिएक्शन। पूरे एग्जांपल से हमने यही बात सीखी है कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ज्यादा फास्टली रिएक्ट करेगा देन जिंक। व्हाई? बिकॉज ऑफ इट्स नेचर। नेचर और रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। वी आर गोइंग टू लर्न मोर अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इन चैप्टर मेटलर्जी। तो इसके बारे में मैंने आप बता दिया है कि कैसे उनका रिएक्टिविटी या वाई एल्यूमिनियम इज हायरली रिएक्टिव देन जिंक, मैंने आपको बता ही दिया है, फिर भी इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में मेटलर्जी चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन टू इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, इसकी वजह से स्पीड चेंज हो सकता है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड रीजन और सेकंड फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन, साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट। हमें रिएक्टेंट का जो पार्टिकल साइज है उसके ऊपर भी स्पीड कम या ज्यादा हो सकता है।
इसके लिए हमें एक एक्टिविटी करना है, अपैरेटस टू टेस्ट ट्यूब बैलेंस मेजरिंग सिलेंडर। इसके लिए हमें दो टेस्ट ट्यूब लगने वाले हैं, एक बैलेंस लगने वाला है टू मेजर द वेट एंड मेजरिंग सिलेंडर टू मेजर द लिक्विड। केमिकल्स पीसेस ऑफ शाबाट टाइल्स, पाउडर ऑफ शाबाट टाइल एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमें ये तीन केमिकल्स लगने वाले हैं। व्हाट वी हैव टू डू, टेक अ पीस ऑफ पाउडर ऑफ शाबाट टाइल इन इक्वल वेट इन टू टेस्ट ट्यूब, 10 ml डाइल्यूट HCl इन ईच ऑफ द टेस्ट ट्यूब। तो दो टेस्ट ट्यूब लेने हैं, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें क्या करना है, पीसेस ऑफ द शाबाट टाइल एंड इन अदर टेस्ट ट्यूब वी हैव टू टेक द पाउडर ऑफ द शाबाट टाइल। तो एक में हमने साइज ज्यादा रखा है पीसेस एंड एक में कम रखा है दैट इज पाउडर। अभी दोनों इसमें क्या ऐड करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना, 10 ml। ऑब्जर्व वेदर द इफरवेसेंस ऑफ CO2 इज फॉर्म एट द फास्टर और स्लोअर स्पीड। तो किस इसमें जो CO2 के इफरवेसेंस है, बबल्स जो फॉर्म होंगे वो किसमें ज्यादा फॉर्म होंगे या किसमें जल्दी फॉर्म होंगे। तो अभी मेरे पास तो ये दिखाने के लिए, आप एक्टिविटी दिखाने के लिए कुछ नहीं, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन आया है हमें यह बुक में दिया है उसके ऊपर से हम स्टडी करते हैं। यू मस्ट हैव फाउंड इन द अबव एक्टिविटी दैट CO2 इफरवेसेंस इज फॉर्म स्लोली विद द पीसेस ऑफ द शाबाट टाइल व्हाइल एट द फास्टर स्पीड विद द पाउडर। सो उनको क्या ऑब्जर्वेशन मिला है कि जो शाबाट टाइल जिस टेस्ट ट्यूब में, उसमें CO2 बाहर निकलने का जो स्पीड है वो कम है या लेट निकले, व्हाइल जिसमें पाउडर था शाबाट टाइल का उसमें से जो CO2 है वो जल्दी से निकला। मतलब जब साइज कम था तब स्पीड ज्यादा था, जब साइज बढ़ गया तो स्पीड कम। द स्पीड ऑफ द रिएक्शन इज आल्सो डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द रिएक्टेंट, कि रिएक्टेंट का साइज एक्चुअल में क्या है। द अबव ऑब्जर्वेशन इंडिकेट्स दैट द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द रिएक्टर्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। स्मॉलर द साइज ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ द पार्टिकल्स, हायर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। इसके ऊपर से हमें क्या पता चलता है कि जितना छोटा साइज रहेगा उतना रिएक्शन का स्पीड ज्यादा रहेगा। अभी हमने देखा शाबाट जो पाउडर था उसके अंदर जो CO2 निकल रहा था वो ज्यादा स्पीड से निकल रहा था या ज्यादा हायर रेट पे निकल रहा था। दिस वाज आवर सेकंड फैक्टर दैट इफेक्ट्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट देखा हमने नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड सेकंड वी सी दैट साइज ऑफ द केमिकल रिएक्टर। नाउ थर्ड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। लेट अस कंसिडर रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद CaCO3 पाउडर। सो जो लाइमस्टोन है अपना CaCO3, उसका रिएक्शन देखना है अभी हमें डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब हाईली एसिड, जिसके अंदर कुछ भी हमने मिक्स नहीं किया या वाटर उसमें ऐड नहीं किया, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड। सो राइट इट समवेयर इन योर बुक सो दैट यू विल नॉट गेट कंफ्यूज। तो कॉन्सेंट्रेटेड मतलब नो वाटर एडेड, नो वाटर, एंड इन डाइल्यूट वाटर इज एडेड, वाटर इज एडेड इन डाइल्यूट, ओके वाटर एड। सो हमने क्या किया, एक में वाटर ऐड नहीं किया, एक जो टेस्ट ट्यूब था उसके अंदर वाटर नहीं ऐड किया, सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, एक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस वाटर मतलब वो था डाइल्यूट, और जिसमें वाटर नहीं था वो था कॉन्सेंट्रेटेड। दोनों इसमें हमने क्या किया, दोनों इसमें हमने लाइमस्टोन डाला दैट इज CaCO3। एंड व्हाट वी ऑब्जर्व दैट डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट स्लोली विद द CaCO3 एंड देयर बाय CaCO3 डिसअपीयर्स स्लोली एंड CO2 आल्सो लिबरेट्स स्लोली। सो जब हमारे पास डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, मतलब ऐसा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसमें थोड़ा सा वाटर मिक्स्ड है, उसके अंदर जब हमने लाइमस्टोन डाला तब जो CO2 निकलने का जो रेट था या CaCO3 का जो डिकम्पोजिशन होता है दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म, वो जो रेट था वो स्लोअर था देन जब हमने जब कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया उसके अंदर जब लाइमस्टोन डाला तब जो रिएक्शन का रेट था वो फास्टर था, CO2 हमें बहुत जल्दी मिल रहा था रिएक्शन। सो इसके ऊपर से हमें क्या पता चलता है, मोर द रिएक्टेंट इज कॉन्सेंट्रेटेड हायर इज द रेट ऑफ रिएक्शन और हायर इज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड रिएक्ट फास्टर देन द डाइल्यूट एसिड विच मीन्स दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो अगर रिएक्टेंट ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा उसका स्पीड भी ज्यादा रहेगा। अभी तक हमने तीन फैक्टर्स देखे, फर्स्ट था नेचर ऑफ द रिएक्टेंट कि हाईली रिएक्टिव है कि लो रिएक्टिव है, सेकेंड वॉज द साइज ऑफ द रिएक्टेंट कि अगर छोटा साइज रहेगा स्पीड बढ़ जाएगा रिएक्शन का, अगर साइज बड़ा रहेगा तो रिएक्शन का स्पीड कम रहेगा,
एंड थर्ड वी हैव सीन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन. अगर रिएक्टेंट हाईली कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा तो स्पीड ऑफ द रिएक्शन या रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ जाएगा. नाउ फोर्थ वन इज द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन. While studying decomposition reaction, you have carried out decomposition of limestone. In this activity, lime water does not turn milky before heating the limestone because of the zero rate of reaction. From this, it is learned that the rate of reaction increases on increasing the temperature. So, जो decomposition reaction है limestone का, that is CaCO3 का जो decomposition reaction है, that is it will convert to CaO and that is carbon dioxide. So, ये reaction अपने आप नहीं होता है. इसको हमें कुछ बाहर से टेम्परेचर देना पड़ेगा. अगर हमने टेम्परेचर कुछ भी नहीं दिया तो जो रिएक्शन का रेट है वो स्लो हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करो कि मुझे राइस कुक करना है. राइस को मैंने पानी के अंदर डाल दिया, राइस अपने आप पकेगा क्या? नहीं, वी हैव टू गिव सम हीट टू इट. सो जब टेम्परेचर बढ़ता है तब रिएक्शन का स्पीड भी बढ़ता है. सो दिस वॉज अवर फोर्थ फैक्टर. नाउ लास्ट फैक्टर इज कैटलिस्ट. सो सबसे पहले कैटलिस्ट होता क्या है वो पहले मैं बता देता हूँ, फिर बाद में हम देखेंगे कैटलिस्ट स्पीड कैसे अल्टर करता है. सो कैटलिस्ट का डेफिनेशन यहाँ पे दिया है, सबसे पहले आप अंडरलाइन कर लीजिए, देन वी विल डिस्कस. द सब्सटेंस इन हूज प्रेजेंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन चेंजेस विदाउट कॉजिंग एनी केमिकल चेंज टू इट. तो ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन का सिर्फ स्पीड बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं, लेकिन खुद उस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते. समझ में? तो ऐसे सब्सटेंस जो सिर्फ स्पीड बढ़ाने का या कम करने का काम करते हैं लेकिन खुद केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते, उसको हम बोलेंगे कैटलिस्ट. तो अभी यहाँ पे एग्जांपल भी दिए. ऑन हीटिंग पोटेशियम क्लोराइड डिकम्पोजेस स्लोली. पोटेशियम क्लोराइड को अगर हमने हीट किया वी विल गेट KCl प्लस O2. द रेट ऑफ अबव रिएक्शन नाइदर इंक्रीजेस बाय रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज नॉर बाय इंक्रीजिंग द रिएक्शन ऑफ द टेम्परेचर. तो इसका अगर हमने पार्टिकल साइज भी कम किया या टेम्परेचर भी बढ़ाया तभी भी जो ये रिएक्शन का रेट है या रिएक्शन होने का जो स्पीड है वो नहीं बढ़ेगा. तो अगर मुझे ये रिएक्शन करने का स्पीड बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? हाउएवर KCl3 डिकम्पोजेस रैपिडली इन द प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड. तो मुझे वो KCl3 में थोड़ा सा मैंगनीज डालना पड़ेगा टू लिबरेट O2 गैस. नो केमिकल चेंज टेक्स प्लेस इन MnO2 इन दिस रिएक्शन. सो KCl3 को अगर मुझे फास्टली डिकम्पोज करना है तो उसके अंदर मुझे मैंगनीज डालना पड़ेगा. मैंगनीज डाइऑक्साइड उस केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा लेकिन उस केमिकल रिएक्शन का स्पीड बढ़ाएगा. सो जो मैंगनीज डाइऑक्साइड है उसको हम बोलेंगे कैटलिस्ट. ओके, सो कैटलिस्ट समझ में आया क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जो खुद केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है लेकिन केमिकल रिएक्शन का स्पीड कम या ज्यादा कर सकता है. The decomposition of the hydrogen peroxide in water and oxygen takes place slowly at the room temperature. However, the same reaction occurs at the faster rate on adding manganese dioxide. So, अगर मैंने hydrogen peroxide लिया, that is H2O2. अगर उसको मुझे decompose करना है in water and oxygen, that is H2O plus O. तो ये जो reaction है, वो room temperature पे बहुत slow rate पे होता है. अगर मुझे इस rate को बढ़ाना है, तो I simply have to add manganese dioxide. स्पीड बढ़ जाए. तो दिस वाज द कैटलिस्ट. तो अभी हमने पांच फैक्टर्स देखे व्हिच अफेक्ट्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. फर्स्ट वन वाज द नेचर ऑफ रिएक्टेंट, सेकंड साइज ऑफ द रिएक्टेंट, थर्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, फोर्थ वाज द टेम्परेचर एंड फिफ्थ इज कैटलिस्ट. आज के पार्ट में हमने क्या क्या किया जरा सा एक बार रिकॉल कर लो. सो आज सबसे पहले हमने देखा एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड प्रोसेसेस. सो अभी उनके बीच का डिफरेंस जरा सा रिकॉल कर लेते हैं. एक्सोथर्मिक रिएक्शन या ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसके अंदर से हीट इवॉल्व होता है या लिबरेट होता है. सो अगर हीट किसी भी रिएक्शन से एग्जिट हो रहा है उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक. हीट एग्जिट एक्सोथर्मिक. एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसके अंदर हीट एंटर करता है. सो हीट एंटर इज एंडोथर्मिक. सेकेंड पॉइंट इज इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर राइजेस. सो जो टेम्परेचर होता है रिएक्शन का वो बढ़ जाता है. फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा. एंड इन एंडोथर्मिक एज हीट इज एब्जॉर्ब रिएक्शन का जो टेम्परेचर होता है रिएक्शन मिक्सचर का वो कम हो जाएगा. थर्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज जनरली फास्ट एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन इज जनरली स्लो. इसका एग्जांपल आप ऐसे भी याद रख सकते हो, पानी उबालने में कम टाइम लगता है देन मेल्ट होने.
सो अगर आपने आइस का क्यूब लिया, उसको पूरी तरह से मेल्ट करने में जितना टाइम लगेगा, उतने ही पानी को आपको उबालने के लिए उससे कम टाइम लगेगा। एंड लास्ट देयर आर द सम एग्जांपल्स व्हेन एनएओएच डिसॉल्व्स इन वाटर, हीट इज इंपॉर्टेंट। सो हीट बाहर आ रहा है इसलिए एक्सोथर्मिक है। और एक एग्जाम्पल है उसका, दैट इज कंबशन ऑफ बायोगैस। सो बायोगैस इज नथिंग बट द मीथेन व्हेन इट इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव्स CO2 एंड 2H2 एंड हीट इज गिवन आउट। सो अगर प्रोडक्ट साइड में हीट लिखा रहेगा, इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड इन एंडोथर्मिक रिएक्शंस द एग्जांपल इज व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रॉन्गली हीटेड कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म। सो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम रिएक्टेंट को हीट कर रहे हैं। सो हीट इज ऑन द रिएक्टेंट साइड, देयरफॉर इट इज एंडोथर्मिक, इट इज एंटरिंग द रिएक्शन। सेकेंड एग्जाम्पल इज फोटोसिंथेसिस। आपको फोटोसिंथेसिस तो पता रहेगा, फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड हीट। सो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जब हीट देंगे, ओके, सो उसके ऊपर से हमें ग्लूकोज फॉर्म होगा। दिस प्रोसेस इज फोटोसिंथेसिस। एज हीट इज रिटर्न ऑन द रिएक्टेड साइड, दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंड नेक्स्ट इज कुकिंग ऑफ एन एग। सो एग को कुक करते वक्त क्या करना पड़ेगा, we have to take hot pan and as we are giving heat, this process is endothermic process. अगला टॉपिक था हमारा factors affecting the rate of chemical reactions. तो सबसे पहले क्या फैक्टर था, नेचर ऑफ reactant. इसमें हमने देखा कि जो एलिमेंट है वो हाईली रिएक्टिव है कि लेस रिएक्टिव। अगर हाईली रिएक्टिव रहेगा तो उसका स्पीड ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा रहेगा, अगर लेस रिएक्टिव रहेगा तो उसका स्पीड कम रहेगा। उसके लिए आपने एग्जांपल देखा था एल्यूमिनियम एंड जिंक, बोथ वेर रिएक्टेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इट वाज ऑब्जर्व दैट द स्पीड ऑफ द रिएक्शन इन विच एल्यूमिनियम इज प्रेजेंट इज हायर। व्हाई? बिकॉज एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव दैन जिंक। सेकेंड इज द साइज ऑफ द पार्टिकल। सो अगर साइज ऑफ द पार्टिकल जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा स्पीड ऑफ रिएक्शन रहेगा। इसके लिए हमने एग्जाम्पल देखा था शाबाट टाइप रिएक्टिव विद द सल्फ्यूरिक एसिड। तो शाबाट टाइल का जो पाउडर था उसका रिएक्शन का स्पीड ज़्यादा था विद रिस्पेक्ट टू शाबाट टाइल के जो पीसेस थे। थर्ड फैक्टर इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना, उसके अंदर वाटर मिक्स किया गया है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहेगा वो अगर कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, इट विल रिएक्ट और स्पीड ऑफ रिएक्शन विल बी हायर। फोर्थ फैक्टर वॉज अ टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। तो कुछ रिएक्शन को रेट बढ़ाने के लिए हमें बाहर से टेम्परेचर देना पड़ता है, उसकी वजह से उसका स्पीड बढ़ जाता है। एंड लास्ट वन वॉज द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट इज द सब्सटेंस विच डू नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन बट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन, राइट, दैट इज कैटलिस्ट। सो दैट ऑल्सो कैन चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन। डू यू नो one or more chemical reactions takes place during every chemical change. So, जब chemical change होता है सिर्फ एक reactions more than one reactions actually happens. But we mainly focus on our main reaction. Second, some chemical reactions occur at the fast speed whereas some occur at the slow speed. तो अभी हमने देखा कुछ reaction faster speed पे होता है, कुछ reactions slower speed पे होता है। Formation of soil from the rock takes the thousands of years, while some chemical reaction takes place within the 5 minutes. Third, strong acid and strong base react instantaneously. So, jitna zyada concentration rahega acid ya base ka, utna wo jaldi se react karega. So, this depends upon the concentration of the acid or base. Fourth, in our body, enzymes increases the rate of physiological reaction. So, apne body ke andar bhi aise enzymes hote hain, जो अपने बॉडी के अंदर के जो रिएक्शंस होते हैं उनका स्पीड इंक्रीज है। सो दोज आर द कैटलिस्ट इन आवर बॉडी। फिफ्थ, पेरिशेबल फूड स्टफ्स गेट प्रिजर्व लॉन्गर इन रिफ्रिजरेटर। द रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ द फूड स्टफ गेट लोअर ड्यू टू द लो टेम्परेचर एंड इट फ्रेशनेस इज मेंटेन। सो जो पेरिशेबल सब्सटेंस फूड स्टफ होता है, कुछ भी आप अपना वेजिटेबल भी कंसिडर कर लो, वो अगर ओपन एयर में रखेंगे उसका टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो उसका डीकम्पोजिशन जल्दी से हो जाएगा। और अगर उसी वेजिटेबल को अगर हमने फ्रिज में रखा, उसका टेम्परेचर कम रहेगा, डीकम्पोजिशन का रेट कम हो जाएगा एंड दोज विल लास्ट लॉन्गर। सिक्स, वेजिटेबल कुक्स क्विकली इन ऑन ऑयल रादर देन ऑन वाटर। सो
वेजिटेबल में जब हम ऑयल ऐड करेंगे तो वो ज़्यादा क्विकली रिएक्ट करेगा देन विद वाटर. दिस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द रिएक्टर कि ऑयल दिया है कि वाटर दिया है. सेवन, द केमिकल रिएक्शंस आर प्रॉफिटेबल इन केमिकल फैक्ट्रीज इफ द रेट इज फास्ट. किसी भी केमिकल रिएक्शन का अगर रेट स्लो रहेगा, एक रिएक्शन ही कंसिडर कर लो, कोई भी रिएक्शन है उसको मुझे परफॉर्म करने के लिए एक महीना लग रहा है, तो रिएक्शन परफॉर्म करके वो सब्सटेंस फाइनल प्रोडक्ट निकाल के बेचने जाऊंगा तो मुझे 6 महीने लग जाएंगे. उतना अगर टाइम लगेगा मेरे पास पैसे कब आए. उसके वजह से जो केमिकल रिएक्शन फास्ट होते हैं उसको ही ज़्यादातर केमिकल फैक्ट्रीज में यूज़ किया जाता है या मोस्ट ऑफ द प्लेसेस कैटलिस्ट वगैरह यूज किया जाता है. द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू एज. सो एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन शुड हाई. एंड द लास्ट वन, द ओजोन लेयर इन द अर्थ एटमोसफेयर प्रोटेक्ट्स द लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन. द प्रोसेस ऑफ डिप्लीशन और मेंटेनेंस ऑफ दिस लेयर डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स. सो ओजोन लेयर है वो हमें अल्ट्रावायलेट रे से प्रोटेक्ट करता है which are coming from the sun. So, उसका जो depletion है, that also depends upon the जो ozone के molecule है, वो कितने speed से form हो रहे हैं या destroy हो रहे हैं. So, these all nine were examples to show you that how the rate of chemical reactions changes depend upon the various factors. तो आज का part यहीं पे खत्म होता है दोस्तों. मिलेंगे अगले part. Thank you friends for watching this video. अगर आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी डाटा चाहिए रहेगा, असाइनमेंट शीट्स, क्वेश्चन पेपर, नोट्स, डिफरेंट क्विजेस, तो आपको ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन ऑल्सो सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन व्हेन आई विल अपलोड द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फ्रेंड्स.